अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिल्वर ग्लिटरी मॉडल मेकअप लुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप डल कॉम्प्लेक्शन पर या फिर सांवली रंगत पर किस तरह से ब्राइट बेस बना सकते हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी। सो यहाँ पर आप मेरे मॉडल का बिफोर लुक देख लो। स्किन पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे जिनको हमें हाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का हाइड्रेटिंग प्राइमर, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देता है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी कर देता है। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल विंटर सीजन है, तो हमें मॉइस्चराइजर जो है वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए बिफोर मेकअप भी, और वैसे भी मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके पास ऑरेंज कलर करेक्टर अवेलेबल नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से किस तरह से ऑरेंज कलर करेक्टर बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्टिक चाहिए होगी, क्रिस्टीन की स्टिक ले लो, मिस रोज की स्टिक ले लो, कोई भी स्टिक जो आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो आप लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। उसको आपने अपने हाथ पर निकाल लेना है या फिर लगा लेना है। उसके अंदर आपने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक या फिर आपने उसके अंदर ऑरेंज कलर का आई शेडो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने अप्लाई कर लेनी है। अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आपने बस इन दोनों चीज़ों को ही ऐड करना है, लेकिन अगर आप इसके अंदर आई शेड अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है कि आई शेड जो है वो थोड़ी पाउडरी होती है, इसे ये जो आप मिक्सर बना रहे हो ना, ये थोड़ा थिक थिक फील होगा। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा जो है वो ऑरेंज हो गया, तो आप दोबारा थोड़ी सी स्टिक इसके अंदर ऐड करोगे, और जब आपको लगेगा कि ये जो है ना शेड बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको फील हो रहा है कि ये शेड जो है ये थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं ड्राई ड्राई फील हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर मॉइस्चराइजर ऐड नहीं किया था। मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, क्योंकि अगर हम डार्क टोन से डायरेक्ट लाइट टोन की तरफ चले जाते हैं तो बेस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फेयर टोन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कलर करेक्टिंग करने के बाद मुझे फील हो रहा था जैसे कि ये कलर जो है ना ये थोड़ा सा ड्राई है, तो मैंने जो है ना थोड़ा सा न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट जेल अप्लाई कर लिया ऊपर, थोड़ा सा इसको जो है ना वो सॉफ्ट करने के लिए। आप इसी मिक्सचर के अंदर जो हमने बनाया है ना ऑरेंज कलर का, आप इसी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो। बिकॉज मुझे पहले नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे फील हो रहा था कि ये थोड़ा पैची फील होगा अगर मैंने इसके ऊपर लाइक डायरेक्ट जो है ना वो फाउंडेशन अप्लाई कर दी, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने इसको फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड आउट किया। उसके बाद मैंने फिर से वही वाली स्टिक जो मैंने यूज़ की थी पहले कलर करेक्टर बनाने के लिए, उसी स्टिक को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी, बट इस बार हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एज अ कंसीलर। मतलब हमें इसको अपने फेस के उन पार्ट्स पर अप्लाई करना है जो कि आपको लगता है कि बाकी फेस जो है वो डार्क हैं, जैसा कि हमारे आई के अराउंड वाला एरिया जो है वो डार्क होता है बाकी फेस की निस्बत, और इसके अलावा हमारे जो लिप के अराउंड वाला एरिया होता है ना वो भी डार्क होता है बाकी फेस की निस्बत। सब लोगों का नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी का जो है ना वो फ़र्क होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क जो है ना वो होता है। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, इसको मैंने डैम्प कर लिया, मतलब मैंने इसको पानी में जो है वो डिप किया थोड़ी देर, फिर मैंने इसको स्क्वीज़ किया, और अब मैं जो मैंने कंसीलर पार्ट पे कलर लगाया था उसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी, अच्छे से तब तक जब तक ये मज़े का कैनवास नहीं बन जाता। जैसा कि अभी आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है कि बहुत मज़े की ब्लेंडिंग हो चुकी है इसकी। अब हमारा जो फेस है ना मॉडल का फेस वो बिल्कुल प्रिपेयर है, हम इसके ऊपर कोई भी कलर का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर फेयर शेड लिया फाउंडेशन का, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डार्क शेड भी ऐड किया, फिटमी का गिब्रिनी की जो है वो फाउंडेशन है मेरे पास 107 नंबर, और फिटमी की फाउंडेशन है सॉफ्ट सैंड शेड है, मैंने दोनों को लिया है। फेयर वाली ज़्यादा है और जो डार्क वाली फाउंडेशन है वो थोड़ी सी है, वो भी इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा फेयर टोन की तरफ जाना नहीं चाह रही थी। दोनों को मैंने जो है वो मिक्स किया और फिर मैंने इस मिक्सचर को मॉडल के फेस के ऊपर अप्लाई किया। अभी अगर आप इस पर गौर करो तो आपको फील हो रहा होगा कि अभी जो हमारे मॉडल की स्किन का कॉम्प्लेक्शन बन चुका है वो, और जो हमने बेस का शेड बनाया है वो, उन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, इतना सा फ़र्क जो है ना वो चलता है। ठीक है, अब हम जब इसके ऊपर बेस बनाएंगे ना, अगर मैं इससे ज़्यादा फेयर टोन की तरफ भी जाना चाहती ना तो मैं लगा सकती थी, क्योंकि मैंने नीचे बेस जो है वो बना ली थी उनकी स्किन के हिसाब से। अगर मैं डायरेक्ट फेयर फाउंडेशन लगाती इनके ऊपर तो इनकी बेस जो है वो फट जाती, ख़राब हो जाती, ऑक्सीडाइज हो जाती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना डार्क टोन को लाइट टोन की तरफ लेके जाना होता है। उसके बाद बेस को फिक्स करने के लिए मेरे पास है फोक्लोर का लूज़ पाउडर, और ये मेरे पास फेयर शेड में है, और लूज़ पाउडर जो है ना वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है प्रेस पाउडर की निस्बत, क्योंकि जो प्रेस पाउडर होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, और जिनकी रिंकली आइज होते हैं या रिंकली फेस होता है, स्पेशली जो एंटी एजिंग वाले होते हैं ना, मतलब एजिंग के साइंस होते हैं जिनके फेस के ऊपर, उनके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो सही नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बेस लाइट वेट रहे तो आप जो है ना लूज़ पाउडर ट्राई किया करें। सो मैं इसको पहले पूरे फेस पर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा जितना भी पाउडर था वो मैंने डस्ट आउट कर लिया, फिर मैंने पूरे फेस की बहुत अच्छे से कंटूरिंग कर ली। और जी, कंटूरिंग करते हुए मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया था, बट वो शायद अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो सका।
सो मैंने जो है ना सिंपली जैसे राउंड फेस को कॉन्टोर करते हैं, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो आप लाजमी देखिएगा वो वीडियो, बहुत डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया था। और फिर मैंने जो है ना नोज़ की कंटोरिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना आईब्रो स्टैम्प्स थी, इसमें आपको टोटल मेरे ख्याल से 6 पैचेज हैं ये, और ये मैंने दराज ऐप से ऑर्डर किए थे। इसमें आपको हर शेप की आईब्रो जो है वो मिल जाती है, जिस टाइप की भी आईब्रो आपको पसंद है आप वो जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हो। और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आईब्रोज बनाने में ना ज़्यादातर यही मिस्टेक होती है कि दोनों आईब्रोज इक्वल नहीं बन पाती, किसी का आर्च ऊपर चला जाता है, किसी का नीचे चला जाता है, किसी का स्टार्ट पॉइंट ज़्यादा आगे चला जाता है, किसी का स्टार्ट पॉइंट पीछे रह जाता है। सो इस सिचुएशन में जो है ना आईब्रो ख़राब हो जाती है और फिर पूरा मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो आप जो है ना आईब्रो स्टैम्प को यूज़ करके बहुत अच्छे से आईब्रो की शेप को, दोनों शेप्स को इक्वली डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आईब्रो के साथ ही फेस लुक जो है ना वो प्यारा लगता है। और इसी स्टैम्प को हम जब उल्टा करके रखेंगे ना तो हम राइट साइड की आईब्रो भी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड की आईब्रो भी बना सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास ब्यूटी फाइबर आमना का नाइट क्वीन पैलेट था, इसके अंदर से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया, बुलेट ब्रश लिया और फिर मैंने 3 डॉट्स अप्लाई किए, एक स्टार्ट ऑफ द आईज़, एक एंड ऑफ द आईज़ और एक मिड ऑफ द आईज़, 3 मैंने पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लगाए। अब क्या करना है, सेम कलर को ब्रश के ऊपर लगाना है और तीनों डॉट्स को आपस में मिला देना है। ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी क्रीज बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपके पास कोई स्टैम्प अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना इस मेथड को यूज़ करके बड़ी मज़े की क्रीज लाइन जो है वो बना सकते हो विदाउट एनी हैक। बहुत अच्छे से हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे, और तब तक ब्लेंड आउट करेंगे जब तक कि हमारा ये ब्राउन कलर ऊपर की तरफ शेडो नहीं छोड़ देता। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया और फिर मैंने इस कलर के सेंटर में थोड़ा नीचे करके ब्लैक कलर की ब्लेंडिंग की, क्योंकि मुझे इसको जो है ना इस तरह से स्मोकी लुक की तरफ लेके जाना था। इसका मकसद ये होता है कि जैसा कि आपको पता है कि मेरे मॉडल के आईज़ हैं वो बहुत छोटी हैं, पफी भी हैं, तो अगर हम क्रीज नहीं बनाएंगे तो आईज़ हैं वो और ज़्यादा छोटी लगेंगी। इस वजह से क्रीज डिफाइन करने के लिए जो है ना आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए क्रीज डिफाइन करना ज़रूरी था। उसके बाद ही यहाँ पर मेरे पास सीलर अवेलेबल है, और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ जो है ना अपनी ब्रांड के ग्लिटर्स इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और अपनी ब्रांड का सीलर इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज के वीडियो में भी जो मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया है ना, ये भी मेरी अपनी ब्रांड का ही है, अभी इसकी पैकेजिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हुई। इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगी डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगी कि कितने कलर्स हैं और क्या तरीका है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो 2 सिल्वर कलर्स हैं, एक जो है ना वो टोटल सिल्वर है और एक के अंदर हल्का सा ग्लिटर पिगमेंट जो है ना वो आपको गोल्डन का नज़र आ रहा होगा, तो मैं गोल्डन पिगमेंट वाला जो सिल्वर कलर है ना वो अप्लाई करने वाली हूँ, और इसको मैं ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी, बहुत अच्छे से इसको फिक्स आउट कर दूँगी। उसके बाद मैंने लिया गैबरिनी का हाईलाइटर और इसके साथ मैं बहुत अच्छे से अपने ब्रोबोन एरिया को फिलअप करूँगी और अपने इनर कॉर्नर को। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास लाइनर है और ये मैजिक लाइनर है, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में कि लाइनर लगाओ और उसी के ऊपर लैशेज रखो तो वो चिपक जाती हैं, तो मैंने इंस्पायर होकर इस लाइनर को ऑर्डर किया था दराज से, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के सामने यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी रिजल्ट होंगे आप लोगों के सामने होंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से लाइनर की लाइन जो है वो लगाई अपनी आईज़ के ऊपर, और फिर मैंने यहाँ पर अपने ब्रांड की लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें भी आपको 7 आर्टिकल्स मिल जाते हैं, अगर आपको लैशेज़ ऑर्डर करनी है आप मंगवा सकते हो। और यहाँ पर जी आपके सामने मैंने लैशेज़ अप्लाई की हैं, और मैं इसको खींच के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि लैशेज़ बहुत अच्छे से फिक्स आउट हो चुकी हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि लाइनर की लाइन जो है ना वो प्रॉपर लगी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल कम कम शेखों की तरह लाइनर लगाया और फिर आप उसके ऊपर रख रहे हो जी लैशेज़, तो वो चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। तो आपने सही से लाइनर लगाना है ताकि आपकी लैशेज़ है वो प्रॉपर तरीके से चिपक सके। और फिर मैंने जो है ना ब्लशन अप्लाई किया अपने मॉडल की चीक्स पर, और अब मैं हाईलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ। सो यहाँ पर फेस स्टूडियो का हाईलाइटर है मेरे पास, जो कि बहुत अच्छा है, आपके फेस को बिल्कुल नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने बहुत कुछ अवर चीज़ लगा ली है। ये कुछ टाइम गुजरने के बाद ना ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपका फेस ही नेचुरली ग्लो कर रहा है बिल्कुल इसी तरह से। और मैं इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से पूरे फेस को जो है वो हाईलाइट करने वाली हूँ। और जी साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि दराज 11/11 सेल जो है वो 11 नवंबर से लाइव हो चुकी है, ऑन एयर हो चुकी है। सो इसमें आपको 10 दिन के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है हर चीज़ पर, मतलब आप कपड़े, जूते, ज्वेलरी, फर्नीचर और सब कुछ, ग्रोसरी तक भी वहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी अच्छे खासे डिस्काउंट पर। तो मैंने लिंक जो है ना उसका वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाके कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। और आज के वीडियो में भी मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं ना उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो उन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जी यहाँ पर मैंने गैबरिनी के लिए पेंसिल के साथ लिप्स की शेप बनाई है, और अंदर एमली का लिप ग्लोज है वो मैं फिल कर रही हूँ, और लिप की शेप जो है ना इस पर भी मैं इंशाल्लाह
जो है वो डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं साथ साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ कि लिप शेप किस तरह से बनानी है, जिससे कि आपके लिप्स जो है वो अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और जिसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर स्टेप को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और इसी चक्कर में जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इतना भी लंबा नहीं हुआ वैसे, अगर मुझे 4 घंटे लगे हैं वीडियो बनाने में स्पेशली आप लोगों के लिए, तो आप लोग 11 मिनट निकाल के वीडियो देख ही सकते हो। और आप लोगों के फ़ायदे की बातें हैं सारी, वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप मत किया करें, वीडियो को सारा देखा करें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आपने जो 2 सेकंड या 2 मिनट आपने अंदर स्किप किए हैं, उन 2 मिनट में कोई ऐसे गोल्डन वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हों जो कि शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। सो प्लीज़ इसको पूरा देखा करें, क्योंकि मैं बहुत सर्च करती हूँ और बहुत बहुत सर्च करने के बाद मैं ऐसे जो है वो हैक्स या ऐसी वीडियोस या ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि आपको वाकई ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखा करें वीडियो को और इसको आगे भी शेयर किया करें। और ये ज्वेलरी जो मेरे मॉडल ने पहनी हुई है, अगर आप इस ज्वेलरी को ऑर्डर करना चाहते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेकअप की सारी प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी 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 चेक किया करें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी फॉलो करना है, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा टिकटॉक पर भी मेरा अकाउंट है आसमा खान ऑफिशियल के नाम से। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा दुनिया जो है ना वो टिकटॉक बहुत देखती है, जैसे ही फ्री होकर बैठे हैं टिकटॉक ऑन कर लिया। मैं खुद भी पर्सनली टिकटॉक बहुत शौक़ से जो है वो चलाती हूँ, तो आप लोग मुझे टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करें। टिकटॉक पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोज है वो देखने को मिलेंगी, और स्नैक ऐप पे भी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।